नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणतास्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बताने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। 11 मई से लेकर 20 मई के लिए के बीच में कैसे ग्रहों का योगायोग आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है और कहाँ से आपको लाभ होने के योग हैं और कैसे आप अपने जीवन को और लाभ की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, ये समय आपके लिए कई मामलों में भोग विलास की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, आनंद देता दिखाई दे रहा है और ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि यदि आप सही दिशा में कार्य करें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन आमदनी के साथ साथ कुछ खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिन आपको थोड़ा सा कष्ट देने के योग दिखाते दिखाई दे रहे हैं, तो उन तिथियों को भी आपको समझना है कि किस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि देखिए, यदि हमें किसी चीज़ की भविष्यवाणी पहले से पता चल जाए तो हम अपने आप को उसके अनुकूल तैयार कर लेते हैं और यही उपाय है। हम अपने आप को तैयार कर लें, आपने रास्ते में देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं किसी रोड पर तो वहाँ लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव सेफली, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, गाड़ी सावधानी से चलाएं। तो क्या होता है, व्यक्ति के मन में सबकॉन्शियस माइंड में आया था, नहीं थोड़ा सावधान हो जाओ, आँख खुल जाती हैं और बड़ा अच्छे से देखने लगता है व्यक्ति। यही तो उपाय कि आपको अलर्ट हो गए आप, और वो बोर्ड लगाने का कारण भी यही था। और ज्योतिष भी तो यही कार्य किया जाता है, ज्योतिष के अंदर आपको बताया जाता है कौन सा समय आपके अनुकूल है और कौन सा समय आपके लिए थोड़ा भारी है, और वहाँ यदि आप उसको समझ के कार्य कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति में जो पूजा पाठ के कार्य बताए गए हैं वो तो सबसे श्रेष्ठ है, और वहाँ उनका सुपरनैचुरल इफेक्ट भी होता है। ये तो जो साधारण कार्य जो हमने आपको बताया कि ज्ञान होना, लेकिन बहुत जो जिसका खासतौर पे आदिदैविक रहस्य जो है, जिसको सुपरनैचुरल कहा कार्य किया जाता है, वो तो परमात्मा की आराधना, यज्ञ इत्यादि, मंत्र जप इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि, उनका तो सुपरनैचुरल इफेक्ट भी होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 10 दिनों में आपके साथ क्या होने के योग है, बहुत सावधानी से समझ लीजिएगा। देखिए, हमने कभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताने का प्रयास किया था कि इन दिनों खासतौर पर मंगल का परिवर्तन होने से खासतौर पर कुछ ग्रहों का योगायोग विचित्र प्रकार का हो गया है, और कन्या राशि वालों को तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपके तो दोनों ग्रहों का जो मुख्य परिवर्तन हुआ है, चाहे वो शनि है चाहे वो बृहस्पति हैं, वो आपके लिए उतने शुभ नहीं है जितने होने चाहिए थे। दोनों बहुत, शनि महाराज तो छठे भाव में जाके बैठ गए हैं शुक्र होकर, वो वहाँ पर वैसे ही कष्ट देने के योग दे रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति महाराज भी छठे भाव में आपके बैठ, जो अष्टम भाव में बैठ गए हैं, लाभ धन तो लाएंगे, सुख भी देने के योग देंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो आपको कहाँ सावधान रहना है, आपको तो बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। आप तो विशेष तौर पर बिल्कुल ऐसे शार्प स्ट्रीप पर हैं, जो ऐसे बिल्कुल ढलान पर हैं कि हल्का सा पैर फिसला तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। सबसे पहले समझ लें कि 11 मई को आपके लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से। देखिए 11 मई को ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर दिखाता है कि जो कुंभ राशि वालों के, खासतौर पर कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि वो आपके लिए ग्रह जो थोड़े से अनुकूल हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, उसमें आपको आगे बढ़ने के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको केवल अपने आनंद में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा आनंद लिप्त होने के कारण से आप अपने लाभ को ही भूल जाओ। आदमी क्या होता है ना, बिल्कुल, और फिर जब लाभ नहीं होगा तो फिर डिप्रेशन में जाओगे, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए आपको, बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपका समय अनुकूल है, इस समय में आप पूरी तरह से थोड़ा अलर्ट होकर काम कर लीजिए। कार्य का समय बृहस्पतिवार का दिन है, अलर्ट होकर काम करेंगे, ज्ञानवान होकर काम करेंगे तो फिर वीकेंड पे मजे ले लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए भद्रा विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा सुबह 11:28 से पहले का समय अच्छा है, लेकिन 11:28 से लेकर 12:22 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, इसलिए नए कार्य आरंभ ना करें। बुध उदय हो रहे हैं और वो आपके अंदर पॉजिटिविटी का उदय करेंगे, वो आपको अच्छे से आपके लग्नेश हैं, वो अस्त चल रहे थे वो उदय हो जाएंगे, खासतौर पर वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे, सही समय पर सही बुद्धि का बल्ब चलेगा। जो आपको उपाय करना है वो भी समझ लीजिए, क्या उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में आपको खासतौर पर, क्योंकि बृहस्पतिवार है, केले का पूजन करना चाहिए, पीले कपड़े का दान करना चाहिए, गाय को चने दाल भिगोकर खिला देनी चाहिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। 12 मई को ग्रहों का योगायोग आपके लिए ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, शुक्रवार का अवसर,
तो मिथुन राशि वालों, सप्तमी की तिथि और कालाष्टमी विशेष तौर पर उस दिन, और ग्रह दिखा रहे हैं कि अभी भी आपके लिए समय अनुकूल है, समय के अनुसार से कार्य कर लेंगे, और कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अगर माइंड हल्का सा डाइवर्ट हुआ तो फिर आपके लिए कुछ शंका उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, समाधान की तरफ जा रहा है, इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, तो इसलिए आप केवल अपने कार्यों में मस्त रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, फालतू की बातों से दिमाग हटाने का प्रयास करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास करें, और या मंदिर में आप कोशिश करें सफ़ेद वस्त्र, जरी वाले वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ होगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। 13 मई के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है, खासतौर पर शनिवार है, विशेष तौर पर कुंभ में आ जाएंगे चंद्रमा, शनि के साथ आ जाएंगे, जहाँ कमज़ोर हो जाएंगे चंद्रमा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं स्वास्थ्य में हल्का सा गर्मी जो है परेशान कर रही है, सदगर्म आपको परेशान ना कर दे, इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर पे, और स्किन का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें, शनि जो सूर्य में बहुत ज़्यादा जाने के कारण से कहीं स्किन संबंधी समस्या ना उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए खासतौर पर जो उपाय जो है वो विशेष तौर पर क्या करना है आपको, आपको दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें, कालाष्टमी है, कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी जो होती है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होती है, अष्टमी जो होती है, तो सुबह सुबह भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, कल्याण होगा, अच्छा रहेगा, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे। 13 मई को ग्रहों की गणना दिखा रही है, विशेष तौर पर शनिवार है, अष्टमी नवमी का योग है, नवमी क्षय हो गई है, कुंभ में चंद्रमा का विशेष तौर पर प्रवेश हो रहा है, कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश जो है विशेष तौर पर वो आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में, कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश जो हो रहा है वो आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत बताता है, तो खासतौर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, उड़द की दाल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। वहीं 14 मई की ग्रह गणना विशेष तौर पे जो दिखा रही है, विशेष तौर पर आपके लिए जो ग्रह अभी भी आपके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग दिखाई देते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा छुट्टियों के दिन शुरू होने वाले हैं और ऐसे में आपने कोई बड़ा प्रोग्राम बना रखा होगा, इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा गर्मी विशेष तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसे में थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें, गर्मी से अवॉइड आपको रखने का ज़रूरत रखनी चाहिए, शाम के समय जो अच्छा समय आपके लिए अच्छा आता दिखाई दे रहा है, भोग विलास बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत रखते हुए कार्य कीजिएगा, कहीं कोई स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 मई का ग्रह परिवर्तन का दिन जो है परिवर्तन के लिए बहुत ही विशेष है, कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बुध मार्ग की होंगे, उस दिन वृषभ संक्रांति हो जाएगी और जो सूर्य है वो विशेष तौर पर आपके भाग्य में जाके बैठ जाएंगे, ये अच्छा है, भाग्य में उन्नति के योग बनाएंगे सूर्य वहाँ बैठकर, और साथ साथ कल्याण के अच्छे योग बन सकते हैं, आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन एकादशी भी है, अपरा एकादशी, चावल का दान करने का प्रयास करना चाहिए, ग्रहों का परिवर्तन अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, बृहस्पति के शुभ लाभ से धन की आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो ये आपके लिए समय अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन और साथ साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन है आपके इमोशंस में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, जो दो दिन पहले आपको एक दिन पहले क्षीण था थोड़ा थोड़ा, आज पॉजिटिव होगा और उसके द्वारा आपके विचारों में पॉजिटिविटी आपको लाभ दे सकती है। वहीं हम बात करें 16 मई की, तो 16 मई की ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, उस दिन मंगलवार है और ज्येष्ठ का मंगलवार है, तो कन्या राशि वालों एक बात का ध्यान रखो, जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि विशेष तौर पर जो योग है मंगल और शनि का जो योग बन रहा है षडाष्टक योग, उसको ठीक करने का दिन है ये चार मंगलवार पड़ने वाले हैं इसमें जेठ के महीने में, और चारों के चारों को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, और ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल क्षीण अवस्था में है, कमज़ोर है, कर्क में है, जिसको कहा जाता है कि नीच के हो जाते हैं मंगल, कमज़ोर हो जाते हैं, और शनि को साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, ये कष्टकारी है, ऐसे में शनि और मंगल दोनों को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। भाग्य से बुढ़वा मंगलवार का योग पड़ गया है, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा आपके इमोशंस पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है और वो आपको कष्ट दे सकता है, और उसके लिए इसका उपयोग करना बड़ा सुंदर रहेगा। हमने भी अपने आश्रम में सुंदरकांड का सुंदर आयोजन किया है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख के दिन की हम बात करें तो 16 तारीख का ग्रह जो योगा योग जो है वो विशेष तौर पर वो दिखा रहा है, खासतौर 17 मई की हम बात करें तो 17 मई का ग्रह योग दिखा रहा है कि उस दिन कन्या राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। देखिए कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर जो है वो मेष में जब सूर्य परिवर्तित होंगे तो गजकेसरी योग बना लेंगे, और गजकेसरी योग आपके लिए लाभ के बहुत सुंदर योग बनाएगा, साथ साथ लाभ की स्थिति बनाएगा। उस दिन बुध प्रदोष भी है, शाम के समय भगवान शिव की विशेष आराधना कर लीजिए,
और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। प्रदोष और साथ साथ महाशिवरात्रि और बुधवार का अवसर, बुध प्रदोष का योग, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों ही जिस प्रकार से बैठे हैं वो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का स्तवन कर लेना, उनका अभिषेक कर लेना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस योग का लाभ अवश्य उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ग्रहों की गणना से हम समझें कि जैसा मंगलवार का योग था, गृह केसरी योग आज भी विद्यमान है और आपके लिए समय अनुकूल है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 10:03 के बाद कीजिएगा सुबह, उससे पहले मत कीजिएगा, क्योंकि भद्राकाल रहेगी, उसके बाद करना आपके लिए प्रशस्त रहेगा। आपको लाभ की स्थिति जैसे कल बनी हुई थी वैसे ही आग बनती दिखाई दे रही है। 19 तारीख की ग्रह गणनाओं की यदि बात करें तो 19 तारीख को ग्रहों का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार से उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, तो कन्या राशि वालों इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन अमावस्या है, जेठ की अमावस्या है, वट सावित्री का व्रत है और साथ साथ शनि की जयंती है। शनि आपके लिए थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी शत्रु की वृद्धि करने के योग दे रहे हैं, तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। शनि के निमित्त खासतौर पर कुछ जो खास उपाय हो सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। एक उपाय हम आपको दे रहे हैं, खासतौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च, वही नमः नमो निर्माण सदेहाय दीर्घशमशुजटाय च, ये मंत्र है शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। और कहा जाता है कि इसका जो स्तोत्र पाठ कर लेता है शनि उस पर कष्ट नहीं देता। दशरथ जी को स्वयं शनि ने आशीर्वाद दिया, देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी युद्ध जा रहे थे तो सामने शनि के दर्शन हुए और शनि को उन्होंने इसी मंत्र से प्रसन्न किया, इसलिए इसका नाम दशरथ कृत शनि स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करें, कल्याण के योग बनाएं। हमने अपने आश्रम पर इसी स्तोत्र का यज्ञ भी रखा है शनि ग्रह शांति महायज्ञ के अंतर्गत, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ हमने यहाँ पर अपने आश्रम पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपना स्थान आरक्षित कराने के लिए और लाभ लेने के लिए इन नंबर से फ़ोन कर आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 20 मई की हम यदि बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है कि वो खासतौर पर वृषभ में चंद्रमा होने के कारण से आपके लिए जो समय है वो विशेष तौर पर भाग्य से लाभ प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भाग्य में रहेगा, जितने धर्म कार्य करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, धर्म की तरफ इच्छा बढ़ सकती है, धर्म के अनुसार कार्य करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ये समय दिखा रहा है कि आपको धर्म कार्यों से दूर नहीं भागना चाहिए, जितना धर्म में लिप्त रहेंगे उतने कल्याणकारी योग बनेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मंगल आपके लिए इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो संतान पर भी थोड़ा कष्ट देने के योग दे रहे हैं और भाग्य से जो 20 मई है उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, करवीर व्रत उस दिन किया जाता है, कनेर के पेड़ का पूजन किया जाता है और भगवान सूर्य की उपासना के लिए ये सबसे सुंदर व्रत कहा जाता है। भगवान सूर्य को विशेष तौर पर कनेर के पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, थोड़ा जल देकर, तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए और पंचोपचार कनेर के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इससे संतान के कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। मंगल अनिष्ट है, बहुत कष्ट देने के योग बना रहे हैं। करीब करीब एक आने वाले 90 दिन तक ये शनि मंगल का योग ठीक नहीं है, तो और विशेष तौर पर 50 दिन यानी 30 जून तक ये योग ठीक नहीं है। ऐसे में आपको इन सब उपायों को कर लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।